के एक कांग्रेसी नेता के खिलाफ एनआईए दफ्तर में भाजपा नेताओं ने शिकायत की है। शिकायत करने वाले भाजपा नेताओं का आरोप है कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जामिया के छात्रों के प्रदर्शन में युवा कांग्रेस नेता विपिन मिश्रा भी शामिल थे और साथ ही उन्होंने जामिया के ही छात्र होने का दावा भी किया था। भारत बचाओ रैली के दौरान लगभग 7,000 कांग्रेसी दिल्ली में गए थे। ऐसे कितने लोगों को नकली छात्र बनाकर ट्रांसफर किया गया था और जामिया में जिस तरीके से दहशत का माहौल है इसके लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी दोषी है। सारा माहौल पैदा किया जा रहा है, सारा चीज सुनियोजित है। इस बारे में हम यहां पर एनआईए में आए हैं और हमारे प्रतिनिधिमंडल ने इस बात की मांग की है कि सारे तथ्यों की सूक्ष्मता से जांच हो और जो भी लोग हैं उन पर कड़ी कार्रवाई, एफआईआर हो। वैसे कल दिल्ली में 3 लोगों के खिलाफ में एफआईआर हुआ है तो संबंधित जो व्यक्ति है, युवा कांग्रेस का जो पदाधिकारी है, इसके खिलाफ में एफआईआर हो और जितने लोग वहां पर और भी छत्तीसगढ़ के कितने लोग हैं इसकी जांच होनी चाहिए। इस मांग को लेकर हम यहां पर आए हुए हैं। चैनलों में उन्होंने इंटरव्यू दिया कि मैं स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं, दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली का स्टूडेंट हूं, जबकि वो दिल्ली पे रहते नहीं है। ये देश को अस्थिर करने का राजनीतिक दलों का कुषड्यंत्र है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। ऐसे जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं उनको इनका उचित स्थान मिलने चाहिए। इस मांग के लिए भारतीय जनता पार्टी आज यहां आई है।